हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं प्रियांक सौरभ और आप देख रहे हैं बिहारी डॉट न्यूज। दोस्तों, मौसम बदल रहा है और इसी के साथ आप देख रहे हैं कि बरसात की ऋतु खत्म हो रही है और मौसम में विभिन्न तरह के परिवर्तन शुरू हो चुके हैं। लेकिन इस परिवर्तन के दौरान हम देखते हैं कि कई तरह की बीमारी जो होती है वो हमें घेरती है। हमारे समाज में या हमारे देश में या हमारे वातावरण में बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है बीमारियों के रूप में, जिनसे लोग अवगत नहीं होते हैं और जो आगे चलकर बहुत ही जानलेवा बन जाता है। इसी दौरान हम आज बात करेंगे, इस दौरान जो भी मौसम बदलने के दौरान एक बहुत ही भयानक बीमारी के रूप में वायरल बुखार और डेंगू फैल रहा है, इस मैटर पे हम लोग आज चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमान डॉक्टर राजकमल से। डॉक्टर राजकमल, आपका स्वागत है। आप ईशा हेल्थ केयर के डायरेक्टर हैं, मुख्य चिकित्सक हैं और आपका स्वागत करते हैं बिहारी न्यूज में। और आज हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं और दर्शकों को उनके सवाल का जवाब देंगे। डेंगू और वायरल बुखार से संबंधित सवाल पर हम लोग बातचीत करेंगे, उससे जुड़े हुए समस्याओं पर हम लोग इनसे वार्तालाप करेंगे और विभिन्न मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये वायरल बुखार क्या है और इसके क्या लक्षण हैं। वायरल बुखार वायरस के द्वारा फैलती है और आजकल डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेज हैं, जैसे आपका डेंगू वायरस है और आपका हर्पीस वायरस है, जनरल फीवर, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये सबसे वायरल फीवर में आते हैं। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा डेंगू फीवर का ही प्रकोप है और जनरल फीवर वायरल फीवर में भी आते हैं, जिसमें आपका टेम्परेचर जो है 101 से 102 तक जाते हैं और जनरली डेंगू फीवर में टेम्परेचर मोर देन 103 104 तक जाते हैं। ये वायरल बुखार से बचने के क्या उपाय हैं? जैसे कि मतलब देखते हैं कि वायरल बुखार होता है, लोग बहुत तरह के लोग बहुत शुरुआत में तो उसको पहचान नहीं पाते हैं और बाद में मालूम चलता है कि एक बहुत ही गंभीर समस्या से वो जूझ रहे हैं और या वो समस्या उनसे वो पीड़ित हो चुके हैं जिसका उनको जल्द से जल्द इलाज नहीं मिल पाता, तो इसको शुरुआती स्टेज में कैसे उससे बचाव करें कि वो शुरू ही ना हो। जनरली वायरल फीवर से बचने का सबसे उपाय, बड़ा उपाय है आजकल जो डेंगू के मच्छर से बचने का उपाय, सबसे पहला जो हमारे यहाँ स्टैग्नेंट वाटर रहते हैं, जैसे एसी में, कूलर में, ये सबसे बच के रहना, जहाँ पर वाटर स्टैग्नेंट है, बाथरूम में है पानी का स्टैग्नेंट है, एसी है, एसी में जो पानी जम रहा है तो उसमें आप उसको बचा के रखना, पानी को हटा देना है, डेली उसको वॉश करना है, कहीं भी जमा हुआ है पानी का जमा हो तो उसको सफाई करना है, ब्लीचिंग पाउडर देना है, मॉस्किटो नेट यूज़ करना है और आसपास के एरिया में साफ सफाई रखना है, नाला वगैरह की साफ सफाई रखना जरूरी होता है, मच्छरदानी यूज़ करना है, मॉस्किटो नेट यूज़ करते हैं जिससे बचाव संभव है। डॉक्टर साहब, वायरल बुखार के साथ साथ एक और बड़ी समस्या जो हमारे समाज में, समाज नहीं कहें यूँ कहें तो हमारे आसपास में फैलती है, तेज़ी से फैलती है, वो डेंगू का नाम आता है। डेंगू जिसको लेकर बहुत तरह के मन में भ्रांतियाँ फैल जाती है कि डेंगू जानलेवा होता है ये वो, तो आखिर ये डेंगू क्या है और ये किस वजह से होती है, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। डेंगू भी एक जनरली वायरल फीवर है जी, और ये एक मच्छर होते हैं, एडिस बोलते हैं उसको, एडिस एजिप्टी, उस मच्छर के काटने से जो वायरल इन्फेक्शन है वो स्प्रेड करता है, उसी फीवर को मतलब डेंगू फीवर का नाम दिया गया है। इस फीवर में, इस प्रजाति के मच्छर को काटने से क्या होता है कि हमारा जो है बॉडी का ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सब हेमेटोक्रेट, ये सब वगैरह ऑटोमेटिक डाउन होने लगते हैं, जिसके वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, शरीर में वाटर लॉस होता है, जिसके वजह से मरीज कभी कभी गंभीर अवस्था में आ जाती है। तो ये डेंगू फीवर बहुत ही जानलेवा है, बशर्ते कि हम लोग उसको रूटीन चेकअप करते रहना चाहिए और बशर्ते उसको हम लोग समय पर उसकी जांच करवा कर और उसके कंफर्म कर लें कि डेंगू है कि नहीं। तो ये फैलता कैसे है डेंगू? ये डेंगू मच्छर के द्वारा फैलता है। अच्छा, तो मॉस्किटो से बचाव में आपका सबसे बड़ा योगदान है, मॉस्किटो से आप मच्छर से जितना बच सकते हैं उतना अच्छा है। इसके मच्छर जो है जनरली जहाँ पर साफ पानी और ठहराव वाला पानी है वहाँ से ही उसका इसका ये डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह के मच्छर से आपको बचना है जो जनरली 3 फीट 5 फीट के हाइट तक जाते हैं और जनरली ज़्यादातर या तो मॉर्निंग समय या तो इवनिंग समय इनका काटने का ज़्यादा टाइम ये प्रिवेलेंट है।
अच्छा, डेंगू के लिए तो कोई एक एज लिमिट नहीं है कि किस उम्र में ज्यादा नहीं, नहीं, है, किसी मतलब भी एज लिमिट, किसी भी एज लिमिट में ये हो सकता मतलब है, मतलब किसी भी उम्र में डेंगू फैल सकता है। हाँ, सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो मच्छरों से बचाओ। हाँ, और एक और सबसे बड़ी बात है कि लोग जैसे नॉर्मली कहते हैं कि गंदे पानी में बीमारियों का जमावड़ा होता है, लेकिन डेंगू से बचने की सबसे बड़ी बात यह है कि डेंगू के जो वायरस होते हैं या मच्छर जो होते हैं सॉरी, वो साफ पानी में भी उत्पन्न होते हैं। तो डेंगू की बात हम लोग कर रहे थे, तो ये जो होते हैं डेंगू, इसका क्या इलाज है? नॉर्मली इसका जो, इसको लेकर लोग बहुत तरह की डर पाल लेते हैं कि डेंगू हो जाने का मतलब है कि बहुत तरह की गंभीर समस्या। डेंगू गंभीर समस्या में आती है जब यदि आप उसको तुरंत परीक्षा करके नहीं पता करते हैं कि डेंगू किस स्टेज पर है अभी, आपका डेंगू सही में है या नहीं है। कभी कभी नॉर्मल वायरल फीवर भी आपको डेंगू जैसा सिम्टम्स शो करते हैं, तो ये कैसे पहचान? तो हम लोग उसका डेंगू सीरोलॉजी टेस्ट करवाते हैं। अच्छा। डेंगू सीरोलॉजी में हम लोग पता करते हैं, जैसे NS1 IgG IgM टेस्ट होते हैं, इनसे पता चलता है कि डेंगू अभी पॉजिटिव है या नहीं है। यदि पॉजिटिव है तो फिर हम लोग उनका व्हाइट ब्लड सेल्स, हीमेटोक्रिट और प्लेटलेट्स वगैरह हम लोग कंटिन्यूस उसको रूटीन चेकअप करते रहते हैं। यदि बहुत सीरियस उनका पोजीशन देख लेते हैं, यदि बीपी लो जा रहा है, लूज मोशन हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर है 103, मोर देन 103, 104 जा रहा है, तो आप उस पर तुरंत उस पर इलाज के लिए हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसा कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राज बंसल, क्षमा चाहेंगे राज कमल। तो डॉक्टर साहब, अभी डेंगू और वायरल बुखार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से इस दौरान आप डेंगू और वायरल बुखार से संबंधित समस्याओं का सीधा सीधा निदान हमारे डॉक्टर साहब से इस लाइव बातचीत के दौरान पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब आपके सवालों का जवाब देंगे और उम्मीद करते हैं कि आपकी समस्याओं का डायरेक्ट निदान करेंगे। तो डॉक्टर साहब के साथ हम अपना बातचीत जारी रखते हैं। इस दौरान आप अपना bihari.news पे अपना सवाल छोड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं डॉक्टर साहब, और हम उस पर चर्चा करेंगे और डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। तो डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे डेंगू की, डेंगू की बात कर रहे थे, तो डेंगू का जो लक्षण है, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि डेंगू से कैसे पहचान करें, इसके क्या प्रमुख लक्षण है? जैसे कि सुनते हैं कि इसमें चकत्ता वगैरह जो वो लाल लाल दाग वगैरह उस टाइप का भी आता है, वो लेटर फेज में आता है, इसको हम लोग रैशेस बोलते हैं, और मैक्युलर रैसेज होते हैं जो आपको रेडेड स्पॉट आ जाते हैं बॉडी में, जब फिल्टर फॉल करने लगता है तब आते हैं। स्टार्टिंग में वो फेब्राइल फेज होता है, जनरली उसको हम लोग तीन फेज में बांटे हैं, फेब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज एंड रिकवरी फेज। तो फर्स्ट फेज होता है फेब्राइल, इसमें आपको हाई ग्रेड टेम्परेचर रहेंगे, जैसे 104-105 तक जाता है, कभी कभी ऐसा टेम्परेचर जल्दी फॉल नहीं होगा, इवन आपको पैरासीटामोल टैबलेट देने के बाद भी तो टेम्परेचर फॉल नहीं करेगा, और उसमें आप डिहाइड्रेशन, वोमिटिंग टेंडेंसी रहेगा, कोई भी आप खाना खाएंगे तो खाना नहीं पचेगा, कभी कभी लूज मोशन की भी शिकायत होते हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है, आप खड़ा नहीं हो पाएंगे, आप कोई भी जल्दी बोल नहीं पाएंगे। इसको कॉमन ले लैंग्वेज में कभी कभी हम लोग ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, जो हिंदी में बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, आपको खड़ा होने में भी प्रॉब्लम होगी जी। तो पूरे बॉडी में पेन, मस्कुलर क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो ये सब इनके स्टार्टिंग लक्षण है। इसमें जान जाने की संभावना बनी रहती है, तो आखिर जान जाने ऐसा क्या स्थिति उत्पन्न होता है कि मनुष्य का जान भी चला जाता है डेंगू की बीमारी से, तो किस स्टेज में निकला जा सकता है? जनरली देखिए, जो पेशेंट कॉन्शियस नहीं है अपने इलाज के प्रति जी, उन लोगों को ज़्यादातर ऐसा होता है, आप कॉन्शियस नहीं है, जनरली फीवर हुआ, आप मेडिसिन काउंटर से जाकर आप नीमोसलाइड, नाइस टैबलेट, ब्रुफेन, कमिप्लान खा लिए, जो कि जबकि ये सब दवाई कंट्राइंडिकेटेड है, ये डायरेक्ट प्लेटलेट को फॉल करते हैं, आप ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है और पेशेंट चले जाते हैं हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम को, तो शॉक होने की वजह से जान चले जाती है, जैसे प्लेटलेट डाउन हो गए, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेडिकल को शॉप से ले रहे हैं, ज़्यादातर जितने भी जाने गए हैं आप पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे तो पता चला वो लोकल मेडिकल शॉप से एक सप्ताह से चार दिन पाँच दिन से दवाई खा रहे हैं जी। तो इस तरह से ये जानलेवा भी है, यदि आप उसे तुरंत डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं और डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाते तो क्या इसका प्राथमिक स्तर पे कोई इलाज किया जा सकता है? प्राथमिक तो जैसे ही लगे कि हाँ डेंगू की शुरुआत हो चुकी है, आप नॉर्मल सेफ साइड से चल सकते हैं, जब भी ऐसा कुछ फील हुआ आम आदमी के लिए आप पैरासीटामोल, कालपोल, क्रोसिन मार्केट में मिलता है 650, 500, 1000 मिलीग्राम तक की भी टैबलेट आते हैं, जब भी ऐसा हाई ग्रेड फीवर आता है सबसे सेफ मेडिसिन है पैरासीटामोल, कालपोल, क्रोसिन, तो आप सबसे पहले इसको यूज़ करें। इसमें आप किसी डॉक्टर भी अभी नहीं है आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो सबसे सेफ साइड है कि आप मेडिसिन काउंटर का बात नहीं माने, आप आराम से कालपोल, क्रोसिन टैबलेट लें, मेटासिन, और 500-650 तक दिन में 5-6 बार तक भी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें। हाइड्रेशन मेंटेन करने का मतलब होता है कि
वाटर लॉस होने ना दे, क्योंकि डेंगू में आपका वाटर लॉस सबसे ज़्यादा है, आपको डिहाइड्रेशन होता है, और हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं तो आपको वीकनेस नहीं आएगी। आप कोकोनट वाटर, इलेक्ट्रोल, ग्लूकोज जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं भैया। यदि ओरल नहीं लग पाए तो फिर आईवी हम लोग देते हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे वायरल फीवर की। वायरल फीवर जो हम देखते हैं कि नॉर्मली मौसम बदलने के दौरान होता है, ये किस स्तर पर जाके एक गंभीर समस्या के रूप में आता है? मतलब क्या ऐसा होता है, या कितने दिनों के बाद अगर ये लगने लगता है कि एक गंभीर समस्या है, अब इसके लिए एक गंभीर इलाज की आवश्यकता है? वायरल फीवर, देखिए वायरल फीवर डेंगू फीवर दोनों में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है जी। वायरल फीवर का जनरली टेम्परेचर जो होता है आपको 99 to 102 तक जाएंगे, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है जी। तो इसमें सबसे सेफ साइड आप हल्का कालपोल क्रोसिन जैसे लेते हैं, आप तुरंत डॉक्टर से सलाह जरूर लें। डॉक्टर से सलाह नहीं लेने पर कभी कभी ये सुपर एडेड इन्फेक्शन करता है, जो आपको डायरेक्ट ब्रेन पर मस्तिष्क पर चल जाता है, जैसे वायरल मेनिंजाइटिस वगैरह पहुंच करता है, ब्रेन डेड होने का डर रहता है। तो इस तरह से है कि यदि आप जहां फीवर आपका 2-3 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, नहीं तो फिर वो अपना कॉम्प्लिकेशन दिखाने लगता है। तो यूँ समझे कि वायरल फीवर से ही मेनिंजाइटिस की समस्या शुरू, वायरल मेनिंजाइटिस भी हो सकता है लास्ट स्टेज में। ज्यादातर हम देखे हैं कि आप उसी तरह के पेशेंट को होंगे जो आप डॉक्टर से सलाह नहीं ले रहे हैं, खुद से मेडिसिन काउंटर से ले रहे हैं मेडिसिन। आजकल जैसे गांव देहात के लोग आ रहे हैं, कोएक से मेडिसिन ले रहे हैं, और नॉर्मल आप डॉक्टर के बिना सलाह का ले रहे हैं, वो लोग भी निमोसलाइड और पार से ये कम भी फ्लाम खा के आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, उनके सवाल आने शुरू हो गए हैं। फिलहाल तो सबसे पहले गोवर्धन चौधरी जी पूछ रहे हैं, हालांकि गोवर्धन चौधरी जी स्वागत है बिहारी न्यूज में, और डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि हाउ कैन सेव द वायरल फीवर। वायरल फीवर को सेव करने का सबसे पहले यहाँ पर तो आप दोनों चीज़ को पूछ रहे हैं, यहाँ डेंगू या वायरल फीवर, डेंगू भी वायरल फीवर ही है जी। तो आप अभी जो आजकल स्प्रेड हो रहा है उसमें मच्छर वगैरह से आपको बचाव का सबसे बड़ा है, जब भी पहने फुल स्लिप कपड़ा पहने, फुल पैंट पहने, हाफ पैंट हाफ शर्ट ना पहने, और अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सूप वगैरह लेते रहें, कहीं भी गंदगी जो हो रही है उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव वगैरह करें, मॉस्किटो नेट यूज़ करें, इस सबसे थोड़ा बचाव है, इस सबसे आपको मदद मिलेगी उनको सब। तो उम्मीद करते हैं गोवर्धन चौधरी जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हम लोग बात करें वायरल फीवर और डेंगू पे। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं डेंगू को लेके या वायरल फीवर को लेके, तो इसका क्या कोई खास मतलब महीना, जैसे कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में ये डेंगू का जो मौसम होता है, तो ये किसी और महीने में भी ज़्यादा फैलता है? ऐसा बहुत रेयर पाया गया है, लेकिन जनरली ये आपको 15 जुलाई के बाद ही, जनरली उसको जुलाई के बाद ही, मिड जुलाई के बाद ही ये ज़्यादातर उसका प्रकोप रहता है, जो कि आपका दिसंबर जनवरी तक कुछ कुछ अंश आते रहता है। अच्छा। खास कर अभी ये जो सीजन है बरसात वाला सीजन, बरसात या बरसात के बाद का सीजन, इसमें ज़्यादा फैलाव होता है। अक्सर कई बार डेंगू के बारे में चर्चा हमने किया है, या डेंगू के बारे में जब मैंने अध्ययन किया तो ये मुझे पता चला कि ये प्लेटलेट्स का मामला इसमें आता है, प्लेटलेट्स कमी होने की वजह से ऐसा होता है। तो ये क्या है ये प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स एक ब्लड का कंपोनेंट है। एक्चुअली जो डेंगू फीवर जो होता है इसमें क्या करता है कि ब्लड के कंपोनेंट्स को तोड़ देता है जी। इम्यून सिस्टम वीक होते हैं और हेमेटोक्रेट, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, WBC, ये सब ऑटोमेटिकली डाउन होने लगता है। तो एक स्तर तक हम लोग उसको सेफ साइड में मानते हैं, नियर अबाउट 50,000, और जैसे ही हम लोग 50,000 के आसपास यदि रेगुलर उसको मॉनिटर करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को अप टू 50,000 तक उसको एडमिट कर लिया जाए, नहीं तो फिर वो अचानक यदि क्रिटिकल स्टेज में चला जाए तो फिर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने की आवश्यकता पड़ जाती है जी। डॉक्टर साहब, प्लेटलेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्लेटलेट्स में जैसा कि हम सुनने में आया है, जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स, जैसे कि कुछ साल पहले डेंगू को लेकर बहुत ज़्यादा अचानक एक कह सकते हैं कि वायरल टाइप का बीमारी जो हुआ और इसको लेकर बहुत सारी जाने गई, तो उस वक्त डॉक्टर ने शोध किया ये क्या था इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये मैंने पढ़ा है कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए पपीते का दूध या बकरी का दूध इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया, तो क्या ये सही मायने में मेडिकल इसको प्रमाणित करती है कि ये कारगर है डेंगू से लड़ने के लिए, या बस ये एक अफवाह है?
अफवाह तो नहीं बोलेंगे, जस्ट लाइक ये ग्रीन लीव्स है, एंटीऑक्सीडेंट की तरफ काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है। पपाया लीव ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग एलोए एलोए यूज़ करते हैं, कुछ लोग फिर आपका गिलोय रामबटी, ये सब जस्ट लाइक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन में आते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस में हाइड्रेशन मेंटेन करना सबसे बड़ी चीज़ है। आप जितना भी फ्लूड लॉस है, वाटर लॉस को आप अच्छा से मेंटेन करें, और आवश्यकता पड़ने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर राजकमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ईशा हेल्थ केयर के डायरेक्टर, मुख्य चिकित्सक और पटना के बेहद जाने माने फिजिशियन। डॉक्टर राजकमल आपके सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं और हम लोग चर्चा कर रहे हैं वायरल फीवर और डेंगू को लेके। डेंगू एक ऐसी समस्या जो हालांकि मौसम बदलने की वजह से हर वर्ष दो मतलब कह सकते हैं कि जुलाई, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आधी जुलाई से शुरू होता है और ये अक्टूबर नवंबर तक चलता है। और जैसा कि देख रहे हैं कि अभी हम लोग बहुत ही खतरनाक समय को क्रॉस करें, जिस वक्त डेंगू का प्रभाव बहुत तेज़ी से फैलता है, तो इस दौरान जो डेंगू का असर होता है, आखिर ये डेंगू किस तरीके से हमारे समाज को, हमारे वातावरण को प्रभावित करता है, हमारे शरीर को क्षय पहुंचाता है, इस मैटर पर हम लोग चर्चा करें। डॉक्टर साहब, डेंगू को लेके जो विभिन्न तरह की बातें आती है, हालांकि चलिए इसके दौरान हमारे साथ प्रिया शुक्ला जुड़ी हैं, ये पूछ रहे हैं कि ब्लड प्लेट्स कहाँ से इजिली अवेलेबल हो जाता है, प्लेटलेट्स। देखिए, ब्लड प्लेटलेट्स वगैरह तो एक रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से ही लेना चाहिए जी। आप जहाँ भी रजिस्टर्ड ब्लड बैंक है, जैसे हमारे यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी का है, PMCH है, जयप्रभा है, इन लोग से आपको ब्लड ब्लड पार्टिकल्स या ब्लड प्लेटलेट वगैरह आपको इजीली मिल जाएगी। अच्छा, अपने ब्लड ग्रुप के अनुसार देखकर आप ले सकते हैं वहाँ से। तो ब्लड ग्रुप के अनुसार प्लेटलेट्स की उपलब्धता हमारे मतलब कह सकते हैं पटना में भी ऐसी बहुत सारी जगह है, पटना में है बहुत सारे अच्छे अच्छे संस्थान है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, PMCH है, NMCH है, सब जगह ब्लड बैंक है, कहीं भी रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से आप ले सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, जैसे कि अक्सर ये देखने को मिला है या सुनने को मिलता है, हालांकि इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के मन में होती है कि डेंगू जब अंतिम चरण में होता है, जिस वक्त इंसान की जान तक जा सकती है, उस स्थिति में क्या इसका कोई ऐसा इलाज है, रामबाण इलाज, जिससे तत्काल में डेंगू का प्रभाव, क्योंकि PMCH में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि डेंगू पीड़ित व्यक्तियों की मौत, जैसे कि मैंने देखा है अपने पटना में PMCH में, तो इस दौरान मतलब किस रूप में उससे बचा जा सकता है? वो जो कंडीशन होता है वो डेंगू हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम होता है। अच्छा, ये कंडीशन एक ICU में ट्रीटमेंट के लिए आवश्यकता पड़ती है। इस कंडीशन में हम लोगों को पेशेंट को ICU में रखकर और उसको अच्छा से मॉनिटर करना होता है, कभी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, कभी वाइटल स्टेटस उसको देखना होता है, तो प्लेटलेट्स अचानक फॉल करने लगता है, 6 आवरली प्लेटलेट्स देखने होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है, उसमें बहुत फास्ट हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जो कि ICU में ही संभव है। जनरल, आप जनरल वार्ड में या जनरल हॉस्पिटल में आप उसको नहीं कर सकते हैं, उसको एकदम अर्जेंट आप एक चिकित्सीय जांच के अंदर उसको क्रिटिकल पोजिशन, क्रिटिकल ICU केयर, ICU की जो जहां पर व्यवस्था होती है वहां पर रख के पेशेंट की इलाज करना उचित बनता है, जिससे फिर वो बचाव का संभावना बनी रहती है। कि जो डेंगू है, तो डेंगू को लेकर जो कहा जाता है कि ये मुख्यतः कितने दिनों तक का मतलब इसका असर रहता है, जैसे कहा जाता है कुछ बीमारी होते हैं कि एक निश्चित समय तक अगर आपको लगे कि यह ठीक नहीं हो रहा है तो उसका एक अलग नाम दिया जाता है। जनरली तो, ये 2 to 7 days इसको हम लोग, हाँ 2 to 7 days इनका है इसमें जो तंग करता है, और इसका अप्रोक्सीमेट 1 to 2 weeks में ये आपका सिम्टम्स वगैरह सब सब्साइड हो जाता है। प्रिया शुक्ला फिर से हमारे से एक सवाल पूछ रही हैं, घर में डेंगू का उपचार पॉसिबल है, तो डेंगू का उपचार घर में डेंगू उपचार तभी तक पॉसिबल है जब तक कि मरीज आप खाना पीना नॉर्मल खा रहे हैं जी। और उनका ब्लड काउंट और प्लेटलेट्स वगैरह जो है वो डाउन अचानक फॉल नहीं कर रहा है। यदि 50,000 तक है तो आप घर पर कर सकते हैं, यदि 50,000 के बाद आता है, मरीज खा नहीं पा रहे हैं, वोमिटिंग हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो ज़्यादा उचित रहेगा कि उन्हें भर्ती करवा देना चाहिए किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में या डॉक्टर के अंदर। तो इस स्थिति में क्या खान पान भी हमारे शरीर को प्रभावित करता है डेंगू या वायरल फीवर को लेकर? खान पान तो प्रभावित करना है, क्योंकि उससे तो एनर्जी मिलती है। यदि आप खाना पीना नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं मिल पाएगा, यदि नहीं खा पा रहे तो उचित रहेगा कि IV फ्लूड इन्फ्यूजन लगाना, जो कि हॉस्पिटल में ही संभव है या किसी डॉक्टर के सलाह में ही संभव है, तो आप घर पर नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सीवियर डेंगू की बात करते हैं, सीवियर डेंगू को लेकर हमने कहीं पर इसका जिक्र देखा है या सुना है, पढ़ा है,
कि सीवियर डेंगू को लेकर अक्सर मरीज को डरा दिया था। ये सीवियर डेंगू क्या है, मतलब ये डेंगू का ही कोई भाग है या क्या? सीवियर डेंगू ही उसको बोलते हैं जो डेंगू हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम। अच्छा हाँ, जब आपका ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है, उसमें पेशाब में आपको लाली आ जाएगा, कभी कभी ब्लीडिंग लैटरिंग के रास्ता से लैटरिंग काला होने लगेगा, ओरल अल्सर, आपको खाने में दिक्कत हो सकती है, मुँह में छाले पड़ सकते हैं, अल्सर आ सकते हैं, पेट में भी ब्लीडिंग हो सकता है, वो प्लेटलेट डाउन होने की वजह से होता है। तो वो आपका बीपी लो हो जाएगा, आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, तो ये सीवियर डेंगू जो होता है शॉक सिंड्रोम में कन्वर्ट कर जाता है, तब उसको सीवियर डेंगू। जब प्लेटलेट्स की बात कर रहे थे हम लोग, जैसे कि बकरी के दूध की और पपीता के दूध की बात कर रहे थे कि जो कि आपने कहा कि ये माना जाता है, क्या इसके अतिरिक्त भी कोई ऐसा हमारे मतलब कुछ ऐसे घरेलू चीज हैं या हमारे आसपास हमारे वातावरण में या हमारे अगल बगल में ये मौजूद हैं जिससे हम प्लेटलेट्स बढ़ा सकते हैं बिना दवाई के? बिना दवाई का तो ऐसा कुछ मेडिकली प्रूव नहीं है, लेकिन आप फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा ले, एप्पल, अनार, कीवी लोग यूज़ कर रहे हैं। जनरली हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है, जितना ज़्यादा ज़्यादा आप फ्रूट ले सकते हैं, जूस, सूप, जैसे आजकल पपीता का पत्ता का रस ले रहे हैं कुछ लोग, उसका आजकल टैबलेट भी आ गया है मार्केट में, सिरप भी आ गया है, तो ये सब एक घरेलू टाइप से ही है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ईशा हेल्थ केयर गायघाट के फिजिशियन डॉक्टर राजकमल। हम इनसे कर रहे थे डेंगू और वायरल बुखार पे खास चर्चा। इस दौरान आपको डेंगू से होने वाली समस्याएं या डेंगू किस तरह से फैलती है, इसका निदान क्या है, इसकी पहचान क्या है, इस पर हम लोग कर रहे थे चर्चा। तो हम करेंगे अब इस वार्ता को यहीं पे समाप्त। मैं प्रियांक सौरभ और मैं एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहता हूँ डॉक्टर राजकमल का, जिन्होंने अपना एक बहुत ही कीमती समय देकर हमारे साथ डेंगू और वायरल फीवर पर चर्चा किया और आपकी समस्याओं का निदान किया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा और आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी हम आपके विभिन्न तरह के खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे, चाहे वह स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो या वो किसी और भी समस्याओं के साथ। मुख्य अतिथि के साथ हम जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विज़िट करें। शुक्रिया।